नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। ड्रग चैट केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को लगभग एक महीने बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी है। रिया के साथ ही सुशांत के स्टाफ रहे सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत दे दी गई है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने कोर्ट से कहा कि बेल बॉन्ड को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि रिया अभी तुरंत जेल से शायद ही बाहर आ सकें। एनसीबी ने कोर्ट से इस बेल के आदेश पर स्टे भी मांगा था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती पिछले 28 दिनों से हिरासत में हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे का कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है, जबकि एनसीबी का कहना है कि रिया और शौविक चक्रवर्ती बॉलीवुड में फैले ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं। एक तरफ रिया के वकील का कहना है कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदा था जो कि बेहद कम मात्रा में था, इसलिए उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। दूसरी तरफ एनसीबी ने अभी तक कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं रखा है जिससे ये साबित होता हो कि रिया चक्रवर्ती के पास ड्रग था। हालांकि एनसीबी का तर्क ये भी था, क्योंकि अभी मामले की जांच चल रही है, ऐसे में रिया या शौविक को रिहा किए जाने पर वे सबूतों को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ड्रग चैट केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत सहित कई कथित ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा इस केस में एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत से भी पूछताछ की थी। फिलहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।